दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि परिवार की परिभाषा दें तथा इसके प्रमुख प्रकारों की चर्चा करें। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन चाहे किसी भी प्रकार से चेंज करके दे दें कि परिवार का अर्थ, परिवार की परिभाषा और इसके प्रमुख प्रकारों की वर्णन करें, या तो फिर परिवार क्या है इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। देखो, ये आंसर है 5 से 6 पेज में और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए 16 मार्क्स में भी काम करेगा, 20 नंबर जो मार्क्स का पूछा जाता है उसमें भी काम करेगा, ठीक है। ये मतलब कोई 4-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए नहीं, बल्कि 15 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर वाले बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बीए में, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो परिवार से रिलेटेड कोई भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बस वहाँ पर देखना कि क्या परिवार लिखा हुआ है। तो उससे संबंधित जितने सारे आंसर आपको बता रहे हैं सब कुछ आपको लिख देना है, ठीक है। हम आपको आराम से समझाएंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप लोग एक बार वीडियो को देख लो, ठीक है, आपको 100% समझ में आ जाएगा। परिवार क्या होता है? हम लोग एक घर में माता पिता भाई बहन रहते हैं, वो भी एक परिवार है। हमारे साथ माता पिता भाई बहन, उसके साथ दादा दादी रहता है, वो भी एक परिवार है। माता पिता, उसके बच्चे, उसके नाना नानी, मौसा मौसी, ये भी एक परिवार है। तो परिवार बहुत प्रकार का होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे कि परिवार क्या है, ठीक है। देखो, अगर हम परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है, आखिर ये सब चीज़ फर्स्ट में क्यों लिखा जाता है? ऐसा इसलिए लिखा जाता है ताकि जब आप एग्जाम में कॉपी लिख करके आओगे तो एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि हाँ, ये कुछ जानता है। अब अटपटांग आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दोगे कि जो हम लोग ये घर में रहते हैं सभी लोग, भाई बहन माता पिता, वो एक परिवार है, तो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली इतना सरल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो परिवार का अर्थ, तो परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है, क्योंकि आप सभी को पता है इंग्लिश में फैमिली को हिंदी में हम लोग परिवार कहते हैं, ठीक है, तो ये इंग्लिश का ही रूपांतरण है। जिसका अर्थ होता है सेवक, अर्थात यह एक प्रकार का ऐसा समूह है ना, समूह मतलब जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसके सदस्य सेवा भाव से एक दूसरे के साथ जीवन बिताते हैं। मतलब देखो, जिसके सदस्य क्या होते हैं, मतलब हमारे घर में जितने भी सारे लोग रहते हैं, वो एक सेवा भाव से, हम भी उसको कुछ सेवा करते हैं, अपने भाई बहन को, वो भी हमें सेवा करता है, मतलब एक साथ मिल के रहते हैं, वो भी हम काम करता है मेरे लिए, हम भी उसके लिए काम करते हैं, मतलब एक सेवा की तरह काम होता है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ जीवन हम लोग बिताते हैं, ये हमारा परिवार का अर्थ है। आगे भी देखो, और भी अर्थ मैंने बता रखा है यहाँ पे आप लोगों को। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो वह समूह जिसमें एक ही छत के नीचे सभी लोग रहते हैं। बस अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो परिवार का मीन्स आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि वह समूह, समूह मतलब होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो हम लोग घर परिवार में एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वह समूह जिसमें एक ही छत के नीचे, एक ही घर में सभी लोग रहते हैं, जैसे हो गया दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, विवाहित बच्चे यानी जिसका शादीशुदा हो गया वो भी बच्चे हैं, और जो शादीशुदा नहीं हुआ अविवाहित बच्चे, सभी को परिवार कहते हैं। तो ये डिफिनेशन आपको क्लियर पता चल गया होगा कि जो हम लोग छत के नीचे जितने भी सारे रहते हैं, माता पिता, चाचा चाची, विवाहित अविवाहित बच्चे, वो सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन आप लोगों को, परिवार का अर्थ, अभी परिभाषा नहीं, परिवार का अर्थ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि परिवार का अर्थ तो कहीं पूछा ही नहीं, भाई 15-16 नंबर में पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता, ये आपको मायने नहीं रखना है, आपको शुरू से बताना है। हाँ, वहीं अगर आप 5 नंबर में भी लिखते हैं, 7 नंबर में, तो जो क्वेश्चन पूछेगा वही आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब 15-16 नंबर में अगर आप बीए का स्टूडेंट है तो आपको हर एक क्वेश्चन को डीपली में चर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये अर्थ हो गया। अब हम लोग जानते हैं परिभाषा। तो पहले के जो विद्वान लोग थे, पहले के जो ज्ञानी लोग थे, अर्थशास्त्री थे, ठीक है, यानी कि ये समाजशास्त्री थे, ठीक है, तो उन लोगों ने परिवार की अलग अलग परिभाषा दिया, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिवार की परिभाषा इस प्रकार है कि इन लोगों ने किस प्रकार से परिवार की परिभाषा दिया। पहला जो हमारा विचारक है, ठीक है, समाजशास्त्री है, वो है पेज। एक व्यक्ति का पेज नाम है, आप दूसरा को हमें समझना, ठीक है। तो पेज ने क्या कहा, परिवार का डिफिनेशन किस प्रकार से दिया पेज ने, तो इसने कहा कि पेज के अनुसार से, देखो पेज के अनुसार से अगर बात करें तो परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंध पर आश्रित है। यानी कि पेज का कहना है ना कि जो परिवार होता है ना, वो यौन संबंध पर आश्रित है, ठीक है, यौन पर डिपेंड है, क्योंकि जब तक बच्चे पैदे नहीं होंगे तब तक हमारा परिवार नहीं बनेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो परिवार जो हमारा टिका हुआ ना, वो यौन संबंध पे टिका हुआ है, ठीक है, और इतना छोटा तथा शक्तिशाली है कि संतान के जन्म से लेकर के पालन पोषण की क्षमता रखता है। मतलब परिवार एक ऐसा चीज़ है, ठीक है, एक ऐसा शक्तिशाली चीज़ है, ठीक है, इतना छोटा है
परिवार इतना छोटा है लेकिन शक्तिशाली है कि वह संतान के जन्म और पालन पोषण की क्षमता रखता है कि उसको वो संतान जो बच्चा है उसको जन्म भी देगा और उसका पालन पोषण भी करेगा। ये शक्ति है किसमें? ये हमारा परिवार में है, ठीक है। वो छोड़ नहीं सकता बच्चे को, बच्चे को अगर वो पैदा किया है तो उसको क्या कर सकता है, उसका पालन पोषण करके उसको बड़ा भी करने को उसके पास क्षमता होता है। किसके पास? परिवार के पास, ठीक है। तो ये किसका कहना है? पेज का कहना है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, विजेंस। ये विजेंस का क्या कहना है? ये जो हमारा समाजशास्त्री थे विजेंस, तो इसने क्या कहा परिवार के बारे में? तो इसने कहा, विजेंस ने इसे एक अर्थ में कहा, हम परिवार की परिभाषा में एक बच्चे सहित स्त्री और उनकी देखभाल के लिए पुरुष को ले सकते हैं। मतलब इन लोगों, ये जो था बी जेंस, इसने एक शब्दों में कहा कि परिवार की भाषा में हम सिंपल सा एक बच्चे सहित स्त्री और उनके देखभाल के लिए पुरुष को ले सकते हैं। मतलब हम परिवार के रूप में किसको ले सकते हैं? पुरुष को। क्यों? क्योंकि एक बच्चे को सहित स्त्रियों को, एक बच्चे का पालन पोषण, उसके साथ साथ उसके माता पिता बोलो, यानी कि उसके माताओं को बोल लो, स्त्री लोगों का, उनका देखभाल के लिए हम पुरुष को एक परिवार के रूप में ले सकते हैं। कि पुरुष के कारण ही बच्चा का पालन पोषण होता है, उसके स्त्री का, उसके बीबी का पालन पोषण होता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये परिवार एक साथ इकट्ठा अगर हुआ है तो उस पुरुष की वजह से हुआ है, तो हम पुरुष को ले सकते हैं। अगर पुरुष कमा करके नहीं देता तो शायद, ठीक है, उसका जो स्त्री है वो कहीं और रहती है, अपने बच्चों को लेकर के कहीं और कमाती है और अपना गुजर करती, ठीक है। तो उस प्रकार से फिर परिवार नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं उस परिवार में, उस पुरुष में वो दम है जिसके वजह से वो अपने स्त्री को, बच्चों को एक जगह रख पाई है और अपना परिवार को संभाल रहा है। तो हम परिवार के रूप में उस पुरुष को ले सकते हैं जो बच्चों का और स्त्रियों को अभी तक देखभाल कर रहा है, ठीक है। तीसरा, मजुमदार के अनुसार से, आखिर ये समाजशास्त्री जो मजुमदार था इसने क्या कहा? तो इसने कहा, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं और रक्त से संबंधित होते हैं। मतलब इसने कहा जो भी व्यक्ति छत के नीचे होता है रक्त से संबंधित होते हैं। मतलब ये नहीं कि छत के नीचे कोई दूसरा व्यक्ति आके तो भी हमारा परिवार में ऐड हो जाएगा, नहीं, रक्त से संबंधित, मतलब हमारा ही खून का होना चाहिए, हमारा ही भाई बहन होना चाहिए, हमारा ही परिवार में होना चाहिए, ठीक है। तो ये परिभाषा हम लोगों ने देख लिया तीन व्यक्ति का, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब हम लोगों ने परिभाषा दी कि यहाँ पे देखो चौथा व्यक्ति का भी है, जो कि बहुत आसान है, भले आपको लंबा दिख रहा होगा बट बहुत आसान है। चार में से आपको कोई भी अगर दो तीन आसान लगता है तो वो भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। चौथा, लॉक के अनुसार, ये जो समाजशास्त्री थे लॉक, इसने क्या कहा? तो लॉक के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह, इसने कहा कि व्यक्तियों जो समूह है ना, यानी जो परिवार है ना, वो ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित है, छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं, छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं और पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई तथा बहन के रूप में एक दूसरे से अंतक्रियाएँ करते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति की देखभाल करते हैं। मतलब इनका कहना सिंपल सा ये बात है कि परिवार वो चीज़ होता है जिसको, जो विवाह में हो, विवाह होता है, देखो विवाह से भी परिवार बनता है, रक्त से, यानी हमारा बाल बच्चा हुआ तो हमारा ही खून का है, गोद लेने से अगर हम किसी बच्चों को, अगर मान लो छोटा सा बच्चा हो कहीं भुला गया, ठीक है, उसको हम अपने पास गोद ले लिए तो भी हमारे ही परिवार में आ जाएगा, फिर वो हमारे ही खून से तरह से देखे तो बन जाएगा, ठीक है, भले अपना खून का नहीं बट बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हम लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं वो हमारा परिवार कहलाता है, और जो हम लोग छोटे से गृहस्थी के अंदर रहते हैं, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र भाई बहन के रूप में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से मेलजोल कर रहते हैं, खाते पीते हैं, साथ रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और हमारे एक संस्कृति भी रहता है। ये नहीं कि हमारा संस्कृति अलग है, हमारा भाई का संस्कृति अलग है, हम ये पूजा पाठ कर रहे हैं, वो पूजा पाठ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका संस्कृति एक ही होता है उस परिवार में, तो ठीक है, और एक ही संस्कृति को हम लोग देखभाल करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? इसको परिवार कहते हैं। ये किसका कहना है? लॉक के अनुसार से, ठीक है। अब यहाँ परिवार का डिफिनेशन खत्म हो जाता है और अब हम लोग देखेंगे परिवार के प्रकार को, ठीक है, कि परिवार का क्या क्या प्रकार है। अब देखो हम लोग देखते हैं परिवार के प्रकार, कि आखिर इसका प्रकार कौन कौन सा होता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है, सभी को पता है, तथा यह अंतर भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि अंतरों के कारण ही पाया जाता है। देखो, प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। देखो, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जिस गांव क्षेत्र राज्य में रहते हैं, वहाँ का संस्कृति अलग है, किसी दूसरे राज्य गांव समाज में अलग होगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भौगोलिक के कारण, जो हमारा भूगोल इतना बड़ा है इसकी वजह से, आर्थिक के कारण, आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड, कहीं ज़्यादा पैसा है किसी राज्य में, कहीं कम है, कहीं लोग गरीब है, कहीं अमीर है, हमारा संस्कृति आदि कारणों के कारण, अंतर के कारण ही पाया जाता है, ठीक है।
परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, सार्वभौमिक मतलब बहुत बड़े लेवल का एक संस्था होती है, ठीक है, हुए यानी बहुत बड़ा संस्था होते हुए भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप से दिखाई पड़ता है। ये जो हमारा है परिवार, वो परिवार तो सब जगह है, भले हमारा संस्कृति अलग है, उनका संस्कृति अलग है, बट ये इतना बड़ा एक परिवार, एक इतना बड़ा संस्था कि हर जगह पाया जाता है, भले ही अलग अलग रूपों में ही क्यों ना दिखाई दे, ठीक है। और इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, देखो एक संख्या के आधार पर अलग प्रकार होते हैं, निवास के आधार पर, अधिकार के आधार पर, विवाह के आधार पर अलग अलग परिवार होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन है, चारों को देखेंगे एक करके, ठीक है। तो पहला हम लोग आ जाते हैं, देखो यहाँ पे पांचवा नंबर भी है, उत्तराधिकार के आधार पर, वंश नाम परंपरा के आधार पर, ठीक है। तो ये हमारा टोटल छः है, ठीक है, बट हम लोग चार का ही चर्चा करेंगे क्योंकि ढेर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। पहला देखते हैं संख्या के आधार पर, तो देखो संख्या के आधार पर हमारे पास जो होता है वो दो होते हैं, एक केंद्रीय परिवार, संयुक्त परिवार, तीसरा विस्तृत परिवार, सॉरी तीन होता है, ठीक है। तो देखते हैं संख्या के आधार पर कौन कौन सा परिवार होता है। एक होता है केंद्रीय परिवार, यानी जिस परिवार में केवल और केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे हो, मतलब जिस बच्चों का शादी भी नहीं हुआ है, जो घर में ही रह रहे हैं, ठीक है, जो इसका शादी हो जाएगा तो बाहर चल जाएगा। तो जिस परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे हो, यानी कुमारे बच्चे हो, वह परिवार केंद्रीय परिवार कहलाता है, ठीक है, बहुत आसान है। संयुक्त परिवार क्या है, जिस परिवार में पति पत्नी उसके सभी विवाहित और अविवाहित बताने, जो कुमार है वो भी और जो कुमारा नहीं भी हो, वो भी सभी पुत्रियों पुत्र पोती पोतियाँ निवास करते हो, समझ गए, पति पत्नी उनके विवाहित अविवाहित, ठीक है, जो कुमारे हैं वो भी, जो कुमारे नहीं हैं वो भी, उसका पुत्री पुत्र पोते पोतियाँ निवास करते हैं, ये सभी हमारा संयुक्त परिवार कहलाता है। विस्तृत परिवार में क्या कहलाएगा, ऐसे परिवार में रक्त तथा अन्य प्रकार के संबंधित एक साथ निवास करते हैं, मतलब जैसे देखो हमारा फुआ हो गया, हमारे मौसी हो गए, दादा दादी, मतलब एक लंबा लेवल तक, ठीक है, मतलब आप लोग समझ गए। तीन प्रकार का है, एक है हमारा केंद्रीय परिवार, केंद्रीय परिवार थोड़ा छोटा लेवल पर होता है, संयुक्त परिवार उससे थोड़ा बड़ा लेवल पर होता है, और विस्तृत परिवार के अंदर हमारा पूरा खानदान आते हैं, ठीक है, ऐसा समझो पूरा खानदान ऐसा करके। अभी हमारा हो गया, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय परिवार में कुछ ही लोग होते हैं, संयुक्त परिवार में उससे भी अधिक लोग होते हैं, और विस्तृत परिवार में उससे भी अधिक लोग होते हैं। तो ऐसा डायग्राम भी आप बना सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अभी तो हम लोगों ने देख लिया संख्या के आधार पर, अब दूसरा देखते हैं निवास के आधार पर। तो निवास के आधार पर हमारा होता है पित स्थानिक परिवार, ठीक है, पित मतलब क्या, पिता, ठीक है। तो विवाह के बाद स्त्री जब अपने पति के यहाँ रहने लगती है, देखो जब विवाह के बाद स्त्री यानी लड़की जब अपने पति के यहाँ रहने लगता है, यानी अपने कहाँ पे, ससुराल में रहने लगती है, तो वो हमारा पिता स्थानिक परिवार कहलाता है, ठीक है। दूसरा है हमारा मात्र स्थानिक परिवार, ये कब होता है, जब विवाह के पश्चात जब पुरुष अपने स्त्री के साथ रहने लगती है, यानी कि जब पुरुष अपने ससुराल में रहने लगता है, ठीक है, तो हमारा मात्र स्थानिक परिवार कहलाता है, ठीक है। तीसरा है हमारा नव स्थानिक परिवार, नव स्थानिक परिवार क्या होता है, जब विवाह के बाद जब पति पत्नी नए निवास स्थान पर रहने लगे तब उसे हम कहते हैं नव स्थानिक परिवार। चौथा हमारा क्या है, माता पिता स्थानिक परिवार, जब लड़के के माता पिता अथवा लड़की के निवास स्थान में से कहीं पर रहने लगे हो, मतलब क्या, जब लड़के के माता पिता अथवा लड़की के माता पिता निवास स्थान में से कहीं पर रहने लगे हो, ठीक है, निवास के लिए कहीं दूसरे जगह रहने लगे हो, तो इस प्रकार के परिवार का निर्माण होता है माता पिता स्थानिक परिवार, ठीक है। पांचवा है द्विस्थानिक परिवार, जब पति पत्नी अपने जन्म के परिवार में रहते हैं, यानी कि जहाँ पे पति पत्नी का जन्म हुआ था वहीं पर रहते हैं, तो ऐसे परिवार को हम लोग द्विस्थानिक परिवार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है छठा, मामा स्थानिक परिवार, लड़के के मामा के यहाँ रहने लगे तो मामा स्थानिक परिवार कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अधिकार के आधार पर, अधिकार सुने होंगे कि जब एक पिता का डेथ हो जाता है तो उसका जो जितने सारा अधिकार होता है वो एक बड़े बेटा का होता है, इस प्रकार का। तो पित सनात्मक परिवार, ठीक है पित सनात्मक परिवार, जिस परिवार में पिता अथवा पुरुष का नियंत्रण परिवार पर हो, यानी कि जिस भी परिवार में पिता का अथवा फिर या तो फिर कोई लड़के का, यानी कि पुरुष जाति का नियंत्रण हो उस परिवार में, उस परिवार को चलाने वाला पुरुष हो, तो उसे बोलते हैं पित सनात्मक परिवार, ठीक है। मातृसत्तात्मक परिवार क्या होता है, जिस परिवार में माता यानी कि स्त्री का नियंत्रण हो, यानी कि वहाँ का गार्जियन मैन मालिक माता हो, लड़की हो, स्त्री हो, तो हमारा कहलाता है मात्र सत्तात्मक परिवार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विवाह के आधार पर, अब विवाह के आधार पर देखते हैं, तो एकल विवाह परिवार या तो एक विवाह परिवार, ठीक है, यानी कि एक पुरुष द्वारा एक स्त्री से विवाह करने पर ऐसे परिवार का निर्माण होता है, यानी एकल विवाह परिवार या तो एक विवाह परिवार, ठीक है। जब एक स्त्री एक ही लड़का से शादी करता है या तो फिर एक पुरुष एक ही स्त्री से शादी करता है तब, ठीक है, एकल
कहलाता है। उसका बहुविवाह परिवार का क्या काम कहलाता है, जब एक पुरुष अनेक स्त्रियों से या तो फिर एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करे तो ये बहुविवाह परिवार कहलाता है। ठीक है, आखिर एक लड़की दो लड़का से शादी करे चाहे दो लड़का एक लड़की से शादी करे, ये भी एक परिवार ही है। ठीक है, मतलब परिवार के हम लोग अलग अलग रूप देख लिए। कोई लड़का अपने ससुराल में जाकर के रह रहा है तो वहाँ भी एक परिवार बसा हुआ है, वही लड़की ही ससुराल में आकर के अगर बसा हुआ तो भी एक परिवार है। ठीक है, अगर हम लोग कहीं सारा फैमिली उठ करके दूसरे जगह चल जाते हैं तो वो भी एक परिवार है, मामा के घर रह रहे तो ये भी एक परिवार है, हर एक चीज़ परिवार है। ठीक है, अब उपरोक्त आधारों के अतिरिक्त सामाजिक परिस्थिति एवं अन्य आधारों पर भी परिवार के भेद बताए गए हैं। स्पष्ट है कि विभिन्न समाजों और उनकी संस्कृति के आधार पर विभिन्न समाजों में परिवार के अलग अलग रूप पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग जहाँ पर अलग अलग हमारा समाज अलग अलग संस्कृति रिवाज हुआ है वहाँ पर अलग अलग परिवार भी पाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमारा जिस प्रकार से हमारा राज्य में परिवार है हमारे समाज में उस प्रकार से दूसरी जगह भी हो, परिवार तो सब जगह है लेकिन अलग अलग परिवार का संस्कृति अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइनली आपका ये टॉपिक्स खत्म होता है। अगला आपको कौन सा टॉपिक्स चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद।